एक शब्द है अंग्रेजी में स्टेपल फूड, वो स्टेपल फूड वहां पर इसको माना जाता है। और शाकाहारी पदार्थों में एक स्टेपल फूड उधर माना जाता है आलू। आलू हमारे यहां भी प्रचलित है, खासकर अपने यहां उत्तर प्रदेश बिहार में आलू के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आलू के साथ चावल नहीं खाते हम, चावल के साथ आलू खाते हैं। तो हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, लेकिन वो अपने पद्धति से करते हैं, हम अपने पद्धति से करते हैं। पदार्थ समान रहे तो भी किसके साथ क्या खाना, क्या ज्यादा खाना, क्या साथ में खाना, ये हमारी एक बनी है इतने वर्षों के जीवन के अनुभव से। हमारी पद्धति, वो हमारा स्व है, उसके अनुसार हम भोजन करते। उनका स्व बना है, उसके अनुसार वो भोजन करते। स्वतंत्रता का ये भी अर्थ होता है कि हम करेंगे अपने स्वभाव के अनुसार करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ये धर्म का अर्थ पूजा नहीं है, ये धर्म का अर्थ है अपनी प्रकृति, जैसे हम बने हैं। हम बने हैं अपने सदियों के अनुभव से, हम बने हैं हम अपने सदियों के ज्ञान से बने हैं। उसके आधार पर जीवन जीते जीते, जीवन का सामना करते करते हमने एक रास्ता खोजा है। वो हमारे यहाँ की भूमि के लिए, हमारे यहाँ के वायुमंडल के लिए, हमारे ज्ञान को देखते हुए, हमारी परिस्थिति को देखते हुए, हमारी आकांक्षाओं को देखते हुए, वो हमारे लिए ठीक है, जैसा बाकी लोगों का उनके लिए ठीक है। उस आधार पर जीना, अपने भरोसे जीना, अपने स्व के आधार पर जीना। 75 वर्ष हम उत्सव कर रहे हैं, अपने भरोसे तो हमने अपने तंत्र को कर लिया। अब कोई बाहर का व्यक्ति, बाहरी देश के लोग हम पर राज नहीं करते, हमारा देश हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। परंतु जिनसे हमने स्वतंत्रता ली, उन्होंने जब हम हमारे देश को जीता, तब कहते थे कि उनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था, इतना विशाल साम्राज्य था। लेकिन 1857 के युद्ध ने उनको दिखा दिया कि हम सोच रहे हैं कि भारत में हम स्थिरपद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा जीते गए, हमारे बंदूक की धाक पर जिनको हमने दबा के रखा है, वो लोग अपने सारे भेद भूलकर, अपने सारे स्वार्थ छोड़कर हमको इस देश के बाहर हकालने के लिए एक होकर खड़े हो जाते हैं। इनका भरोसा रखना ठीक नहीं, तो क्या करना। तो उन्होंने सोचा कि इनको हमने दबाए रखा है उतना काफी नहीं है, इनको भुला देना पड़ेगा।